वैसे मलंग मलंग सॉन्ग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है, और इस तरह का वीडियो ब्लैक फोटोज़ का अगर आपको भी बनाना है तो कैसे बनाएंगे गाइस, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस तरह की ही एडिटिंग आपको बताऊंगी जैसा प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा है। यदि इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ओके सो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को आप वीएन एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं। ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके और इस वीडियो को बनाने के लिए रैंडम आप कितने भी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, जितने आपके पास हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। लेकिन गाइस, फ़ोटोज़ ऐड करने से पहले हमें यहाँ पर रील ऐड कर लेना है। तो रील ऐड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप रील पर पहुँचेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और उस रील को आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। जब सेव हो जाएगा देन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के लिए आपको गाइस प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से वो रील आपको ले लेना है। इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट आपको कर लेना है। अब गाइस रील मैंने इसलिए लिया है, यदि आप इस तरह का ये ब्लैक टेम्पलेट लेना चाहते हैं, इसी तरह का ब्लैक पिक्चर जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, वैसे तो खुद का भी आप अपना बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। बट अगर आपको शॉर्टकट वीडियो बनाना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। ओके एंड दूसरी चीज़ ये है कि इससे हम म्यूज़िक भी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ राइट हैंड की तरफ स्वाइप करेंगे म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस रील से आप म्यूज़िक को ले लेंगे, ये हमारा म्यूज़िक आ गया, और ये जो ब्लैक टेम्पलेट है स्टार्टिंग पार्ट, ये भी अपना ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर जो फ़ोटोज़ स्टार्ट हो जाते हैं, ये फ़ोटोज़ हमें हटाने हैं और इनकी जगह पर अपने फ़ोटोज़ ऐड करने हैं, बस इतना करना है आपको, है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो यहाँ पर गाइज आपको देख लेना है कि कहाँ से आपको स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये फ़ोटोज़ ना आए, इन यूज़र के फ़ोटोज़ ना आए और ये टेम्पलेट आना चाहिए। तो मैं स्प्लिट कर लेती हूँ। ओके और स्प्लिट आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है स्टार्टिंग से, आपको स्प्लिट कर लेना है। ओके ये हमारा टेम्पलेट रह जाएगा यहाँ पर। ये जो आगे का पार्ट है इसको हमें यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर लेना है, और उसके बाद ये इस तरह का इनपुट टाइटल करके डिफ़ॉल्ट क्लिप होता है वीएन का, तो इसको भी आपको हटा लेना है, यहाँ से डिलीट कर लेना है। एंड ऊपर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट रेशियो है। अब गाइस यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और अपने फ़ोटोज़ ऐड कर लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि रैंडम आप कितने भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो यहाँ पर फ़ोटो वीडियो के ऊपर आपको इजीली क्लिक करना है और आप पहुँच जाते हैं अपनी फ़ोन लाइब्रेरी में। बस आपको अपने फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये फ़ोटोज़ ऐड कर लेती हूँ इस तरह से। ओके तो जैसे कि मैं ये फ़ोटोज़ ऐड कर लेती हूँ, और नेक्स्ट आपको कर लेना है। मैंने 12 फ़ोटोज़ ऐड करे हैं, और आप चाहें तो कितने भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। हाँ म्यूज़िक हमारा, जब हम फ़ोटो हटाते हैं तो म्यूज़िक भी उतना ही हो जाता है, मतलब कि अगर फ़ोटो कम होते हैं तो म्यूज़िक भी कम हो जाता है, तो हमें म्यूज़िक को इंक्रीज़ करना है ऊपर से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके फ़ोटो को मैं रैंडम इंक्रीज़ कर रही हूँ, आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, अभी स्प्लिटिंग हम बाद में करेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं म्यूज़िक को थोड़ा बढ़ा सकूँ। तो म्यूज़िक वैसे हमारा यहीं तक है, इतना है हमारा म्यूज़िक, मैंने इंक्रीज़ करके देखा ये यहाँ तक है। तो मैं इनकी ट्रिमिंग कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग, और जैसा मैंने कहा गाइस कि आपको ड्यूरेशन सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैंडम फ़ोटोज़ आपको चाहिए, तो अगर आप ज़्यादा फ़ोटो लेते हैं तो ड्यूरेशन कम कम रखें एकदम से। जैसे कि मैंने 12 ज़्यादा लिए हैं तो मुझे बहुत कम ड्यूरेशन रखनी है। अगर माना आपके फ़ोटोज़ कम हैं, 4 या 5 फ़ोटोज़ हैं, तो आप ड्यूरेशन ज़्यादा ज़्यादा रखेंगे, मतलब म्यूज़िक तक आपको एडजस्ट करना है, बस इतना ध्यान देना है। और वैसे अगर आप 9-10 फ़ोटोज़ लेंगे तो आप 0.20 सेकेंड रखेंगे ड्यूरेशन, तो भी आपका वीडियो काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा है, तो मैं बता देती हूँ आपके आइडिया के लिए 0.20 सेकेंड आप कर सकते हैं फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन। ओके अब गाइस हमें क्या करना है, ये फ़ोटोज़ क्योंकि ब्लैक फ़ोटोज़ ट्रेंड है तो हमें इन फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपको जाना है फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पर गैस आपको फॉग के ऊपर क्लिक करना है। वैसे तो काफ़ी सारे आपको और भी ब्लैक एंड वाइट मिल जाएंगे, बट आपको फॉग में आना है और यहाँ पर FO1 करके आपको ब्लैक एंड वाइट वाला जो फिल्टर है मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, और यहाँ पर डबल टिक सिंबल आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब में अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं गाइस इस फिल्टर को, ये ओल्ड पिक्चर जैसा फिल्टर लग रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको यदि अलग टाइप का मतलब ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप देख लें, और भी ब्लैक एंड वाइट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि ये वाला मिल जाएगा, ये वाला, ये तो नहीं है ब्लैक एंड वाइट, बट यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैक एंड वाइट आपको मिलते हैं। ओके, तो और भी चेक कर लीजिएगा, जो आपको पसंद आए वो आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं डन, और वैसा हमारा जो वीडियो है रेडी हो जाता है। मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ गाइस वीडियो कैसा बना है। बस यही है हमारा वीडियो, और अब इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से गाइस आपको फॉरवर्ड कर लेना है एंड एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको जरूर से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कर लेना गाइस, और इसी तरह के वायरल ट्रेंड्स पर अगर आप चाहते हैं आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।